ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 10 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है यशाया नबी की पुस्तक उसके 30 अध्याय और उसके 21 पद के अंदर। यशाया नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 21 पद इस प्रकार से कहता है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है इसी पर चलो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है और इसी पर चलो। गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर को पता था कि ये दाईं ओर मुड़ सकते हैं, ये बाईं ओर भी मुड़ सकते हैं। खुदा सब जानता है। हालेलुया। परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर को यह पता था, पहले से परमेश्वर को पता था कि ये हव्वा फल तोड़ेगी। परमेश्वर को पता था कि ये दोनों फल खाएंगे। परमेश्वर को पता था कि सांप आएगा। परमेश्वर को पता है सब कुछ। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने सब कुछ जो है पहले से आगे तक का लिख कर रख दिया है कि बाद में क्या होगा। बाद में जो है उस शैतान को और उसके दूतों को उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा, उनको हरा दिया जाएगा। वो दो गवाह उठेंगे, मसीह विरोधी उनको मार देगा। परमेश्वर को पता है आगे का सब कुछ। पता है क्या होगा आगे, रैप्चर के बाद क्या होगा, पहले 3.5 साल में क्या होगा, बाद के 3.5 साल में क्या होगा, 1000 वर्ष के राज्य में क्या होगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप देखें परमेश्वर का वचन, प्रभु कितना महान है। हर बात को जो 7 पर्वों के बारे में हम देखते हैं, जो बातें हम देखते हैं, किस प्रकार चरनी में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना, कितनी अद्भुत बातें हैं। इतनी अद्भुत बातें हैं कि हम उनको इस दिमाग से तो बहुत मुश्किल है उसको समझना कि इतना परमेश्वर जो है, इतना परमेश्वर महान है, किस प्रकार उसने इन योजनाओं को बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर जानता था ये दाई भी और जा सकते हैं, बाईं ओर भी जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पहले कहा, तुम ना दाईं ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना। हालेलुया। ना दाईं ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना, और जब कभी तुम मुड़ने लगोगे तो ये वचन तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में जाएगा, मार्ग यही है इसी पर चलो। फिर भी दाएं भी मुड़े बाएं भी मुड़े और जंगल में भटकते रहे। हां, जंगल के सफर में करूं शुक्रगुजारी में। जंगल के सफर में जो लोग विश्वास करते हैं कि जीवन जंगल का सफर है, वो जंगल का सफर ही बन जाता है उनके लिए। लेकिन हमारा, मेरा तो नहीं, हमारा ये विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है प्रभु ने हमें बहुतायत का जीवन जीने के लिए बुलाया। जंगल के सफर में परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। हालेलुया। सोच समझ कर गाएं, सोच समझ कर मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जैसा हमारा विश्वास है वैसे ही हमारे लिए होगा। ये बाइबल का सिद्धांत है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। और हालेलुया, गॉड इज सेइंग डोंट गो लेफ्ट राइट, कीप वॉकिंग स्ट्रेट। परमेश्वर कह रहा है दाएं बाएं मत जाना, सीधे चलते रहना। हालेलुया। दाएं बाएं मत जाना, सीधे चलते रहना। और परमेश्वर जो है अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। जब आप इसका संदर्भ देखेंगे, यशाया नबी की पुस्तक 30 अध्याय 21 पद जो हम देख रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट जब आप इसके ऊपर के वचनों को, नीचे के वचनों को, इस संदर्भ को देखेंगे कि किस
किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है। तो परमेश्वर इस बात को इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं इसलिए नहीं दी हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत बहुत हमको सजा देना चाहता है, कि हम आज्ञा तोड़ दें और वो हमें सजा देना चाहता है। नहीं, परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं इसलिए दी हैं ताकि उन आज्ञाओं को मानने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे पाए, परमेश्वर हमें आशीष दे पाए। हालेलुया, उन आज्ञाओं को मानने के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, जब हम आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। और डायरेक्शन हमें कहां से मिलता है, दिशा निर्देश हमारा कहां से होता है? जब भजन संहिता 119 और उसके 105 पद को हम देखते हैं तो वहां लिखा है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। हालेलुया, तो वो वचन जो है वो हमें बताता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। वो वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। वचन कहता है ऐसा करो, वचन कहता है ऐसा मत करो, जो वचन कहता है करो वैसा हमको करना है, जो वचन कहता है ऐसा मत करो ऐसा हमको नहीं करना है। हालेलुया, और भजन संहिता 16 और उसके 11 पद में जो है एक बात जिसको हम अक्सर मिस कर देते हैं उसको हम आज देखेंगे। लिखा है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हम ये तो याद रखते हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16:11 में लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। लेकिन उससे पहले भी एक बात लिखी है वहां पर, वो बात क्या लिखी है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जो रास्ता परमेश्वर हमको दिखाता है वो जीवन का रास्ता दिखाता है। ये आज्ञा मानना, आज्ञा मानने से, आज्ञा पालन से, वचन से हमको जीवन मिलता है। ये जीवन है, ये परमेश्वर का जो वचन है ये जीवन है, ये जीवन है। इसको मानने से हमको जीवन मिलता है। हालेलुया, ये परमेश्वर की सांस है, जीवन का श्वास है, ये जीवन है। हालेलुया, इसको मानने से हमको आशीष मिलती है। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज हो ये रहा है भाइयों बहनों, आज हो ये रहा है कि इसके बजाय कि लोग दाएं और बाएं ना जाएं बल्कि सीधा जैसा वचन कह रहा है वैसा चलें, लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, खुद तो सीधा नहीं चल रहे पर वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। जहां हमको खुद सीधा होने की जरूरत है वहां हम खुद वचन को टेढ़ा कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना है कि हमें वचन को टेढ़ा करने की नहीं बल्कि खुद को सीधा करने की जरूरत। हालेलुया, हमें वचन को टेढ़ा करने की नहीं बल्कि खुद को सीधा करने की जरूरत है। हमें वचन को अपने अनुसार ढालने की नहीं बल्कि हमें वचन के अनुसार ढलने की जरूरत है। हम वचन को अपने अनुसार बना लेते हैं लेकिन हमें वचन के अनुसार बनने की जरूरत है। आप दोबारा देखना, रिपीट करके जो जो बातें मैं आपको आज बोल रहा हूं, मजा आएगा आपको। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, मैं कोई भी बात बोलता हूं मैं प्रैक्टिकल बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है वचन सीधा है और मुझे सीधा बोलना है। किसी को बुरा लगे तो लग जाए लेकिन मेरे परमेश्वर को बुरा लगेगा अगर मैं सीधा नहीं बोलूंगा। अगर मैं वचन को घुमा फिरा कर बोलूंगा तो ये परमेश्वर को कभी नहीं भाता, ये परमेश्वर को कभी नहीं भाता कि हम वचन के साथ समझौता करें या वचन को घुमा फिरा कर बोलें। वचन को सीधा बोलना है। हालेलुया, वचन जैसा है वैसा हमको बोलना है। हालेलुया, वचन को हमें आज टेढ़ा करने की नहीं बल्कि हमें अपने आप को सीधा करने की जरूरत है। मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। जहां हम वचन के अनुसार नहीं है वहां हमें वचन को बदलने की नहीं बल्कि हमें खुद को बदलने की जरूरत है।
हमें वचन को बदलने की नहीं बल्कि हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हमें वचन के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमेशा वचन के अनुसार अगुवाई करता है। वचन ही वो मार्ग है जिससे होकर हमको आशीष मिलेगी, जिससे होकर हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। केवल वचन के द्वारा ही, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष करे। तो आज के इस डेली डिवोशन में आज यही प्रश्न जो है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के वचन के बारे में जैसा हमने सीखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमको बताता है कि हमें किस मार्ग पर चलने की जरूरत है, तो किस प्रकार एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सकता है। कमेंट कर YouTube पर आप इस वीडियो के नीचे आंसर को जरूर दें कि किस प्रकार एक विश्वासी वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सकता है, उसे क्या करने की जरूरत है। वचन जब हमारे लिए, हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, तो किस प्रकार मुझे और आपको इस वचन के अनुसार हम लोग चल सकते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। जरूर कमेंट कर आप बताएं कि हमें क्या करने की जरूरत है। और यहोशू 1:8 में आप इस उत्तर को ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक सपोर्टिव वर्स दे रहा हूं कि परमेश्वर का वचन जब हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, तो यहोशू 1:8 के अनुसार मुझे और आपको और हर विश्वासी को क्या करने की जरूरत है। जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे YouTube पर ही आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। थैंक यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस।